अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएम केमिस्ट्री एकेडमी। टुडे आवर डिस्कशन टॉपिक इज़ ट्रांजिशन मेटल अल्कलीडाइन कॉम्प्लेक्स और कार्बाइन कॉम्प्लेक्स। दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स इन विच अ ट्रांजिशन मेटल एटम इज़ बॉन्डेड टू अ कार्बन एटम बाय अ ट्रिपल बॉन्ड मेटल ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आर कॉल्ड मेटल अल्कलीडाइन कॉम्प्लेक्स और कार्बाइन। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें मेटल और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो उनको हम मेटल अल्कलीडाइन कॉम्प्लेक्स कहते हैं या फिर कार्बाइन कहते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्बीन्स को डिस्कस किया था जिसमें मेटल और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, लेकिन जब बात आएगी कार्बाइन की तो मेटल और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कार्बीन कॉम्प्लेक्स और कार्बाइन कॉम्प्लेक्स बिल्कुल सेम है, इनके पॉइंट्स, टाइप्स, प्रिपरेशन मेथड, उसके बाद स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग सेम है, जस्ट अ लिटिल डिफरेंस इन बिटवीन बॉन्ड। कार्बाइन हैव टू टाइप्स लाइक कार्बीन। कार्बाइन की भी दो टाइप्स हैं कार्बीन की तरह। फर्स्ट वन इज़ डबलेट कार्बाइन, सेकेंड इज़ क्वाडेट कार्बाइन। सबसे पहले हम डबलेट कार्बाइन को डिस्कस करते हैं। डबलेट कार्बाइन कॉम्प्लेक्स हैव वन अनपेयर इलेक्ट्रॉन। ये स्ट्रक्चर है डबलेट कार्बाइन का, जिसमें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर प्रेजेंट है जबकि px वाले ऑर्बिटल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। डबलेट कार्बाइन का जो रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है वो है हाफ, क्योंकि इसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और इस ऑर्बिटल की जो वैल्यू है वो 1/2 है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1, 2s की वैल्यू इसमें पुट करेंगे और फाइनल जो वैल्यू आएगी वो है 2। अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 प्रेजेंट है डबलेट कार्बाइन में। नेक्स्ट है क्वार्टेट कार्बाइन। इन क्वार्टेट कार्बाइन 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट। क्वार्टेट कार्बाइन में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये क्वार्टेट कार्बाइन का स्ट्रक्चर है जिसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर s=3/2। जो क्वार्टेट कार्बाइन है इसका जो रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है वो है 3/2, क्योंकि इसमें 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, एक ऑर्बिटल का 1/2, सेकेंड वाले का 1/2, थर्ड वाले का 1/2। तो जो टोटल हमारे पास वैल्यू होगी इसकी रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर होगा 3/2, 1/2 + 1/2 + 1/2। 3 टाइम हमने 1/2 की वैल्यू ली है चूँकि हमारे पास जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो हैं 3। इसको जब हम सॉल्व आउट करेंगे तो आएगा 2, 1 + 1 + 1 = 3/2। जो रिजल्टेंट स्पिन क्वांटम नंबर है वो है 3/2। नेक्स्ट है स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1, 2s की वैल्यू हमारे पास थी 3/2 + 1। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो होगी 4। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 2s की वैल्यू हमारे पास 3/2 + 1, 2 3s are 6/2 + 1, एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 6 + 2 = 8/2, 2 4s are 8। तो जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू आएगी वो है 4। नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं 3। क्वार्टेट कार्बाइन में 3 हैं जबकि जो डबलेट कार्बाइन था उसमें नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स था 1। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस, फिशर कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस एंड श्रॉक कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस। जो कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस हैं ये दो तरह के होते हैं, एक है फिशर कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस और सेकंड है श्रॉक कार्बाइन कॉम्प्लेक्स। फिशर कार्बाइन कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय द डबलेट कार्बाइन कॉम्प्लेक्स। जो फिशर कार्बाइन कॉम्प्लेक्स हैं ये डबलेट कार्बाइन कॉम्प्लेक्स से फॉर्म होते हैं।
मेटल एटम प्रेजेंट इन लो वैलेंस स्टेट। जो फिशर कार्बाइन कॉम्प्लेक्स है इनकी जो वैलेंस स्टेट है वो लो होती है, इट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी लो होती है। फिशर टाइप कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। जो फिशर टाइप कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट टाइप है श्रॉक कार्बाइन कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय क्वार्टेट कार्बाइन लिगेंड। जो श्रॉक कार्बाइन कॉम्प्लेक्स हैं इनकी फॉर्मेशन क्वार्टेट कार्बाइन लिगेंड से होती है। मेटल एटम इज़ प्रेजेंट इन हाई वैलेंस स्टेट। जो मेटल एटम है इसकी वैलेंस स्टेट जो है वो हाई होती है एज़ कम्पेयर टू फिशर टाइप कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस। न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर। जो श्रॉक कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस हैं ये न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होते हैं, जबकि जो फिशर टाइप कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन मेथड्स। फर्स्ट मेथड बाय इलेक्ट्रोफिलिक अब्स्ट्रैक्शन ऑफ मिथॉक्साइड आयन फ्रॉम अ मिथॉक्सी मिथाइल कार्बीन ऑन ट्रीटमेंट विद बरोन ट्राइहैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ एन पेंटेन सॉल्वेंट एट लो टेम्परेचर। मिथॉक्सी मिथाइल कार्बीन को ट्रीट किया जाएगा ब्रोन ट्राइहैलाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एन पेंटेन, टेम्परेचर लो रखेंगे। जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी वो होगा फिशर कार्बाइन। ब्रोन ट्राइहैलाइड में से एक हैलाइड जो है वो मेटल के साथ अटैच हो जाएगा ओ, और इधर से ओ सी फाइव में से एक सी ग्रुप बाहर सी ओ की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ये है मेटल W जिसे टंगस्टन मेटल कहते हैं। मेटल और कार्बाइन कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। जो प्रोडक्ट हमारे पास होगी वो होगा फिशर कार्बाइन। कार्बीन से हमने कार्बाइन की प्रिपरेशन की है, ये कार्बाइन था जिसमें मेटल और कार्बीन एटम के दरमियान डबल बॉन्ड था। वो जो प्रोडक्ट हमारे पास आई है वो है कार्बाइन जिनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है मेटल और कार्बाइन कार्बन एटम के दरमियान। सेकंड जो मेथड है वो है बाय मेटाथीसिस रिएक्शन। वी कैन सिंथेसाइज श्रॉक टाइप कार्बाइन बाय द रिएक्शन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड ऑफ टंगस्टन मेटल ऑफ टंगस्टन विद द कार्बाइन कॉम्प्लेक्स ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल इज कॉल्ड मेटाथीसिस कॉम्प्लेक्सिस रिएक्शन। ये है ट्रिपल बॉन्ड ऑफ टंगस्टन मेटल ऑफ टंगस्टन जिसको हमने रिएक्ट करवाना है टर्शरी ब्यूटाइल के साथ। जो प्रोडक्ट बनेगी वो है श्रॉक कार्बाइन। इस प्रोसेस को हमने कहा है मेटाथीसिस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। थर्ड मेथड है डी प्रोटीनेशन। डी मीन रिमूवल, प्रोटीनेशन मीन प्रोटॉन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। द श्रॉक कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस कैन बी मेड बाई डी प्रोटीनेशन ऑफ अल्कली डीन कॉम्प्लेक्सेस हैविंग अल्फा सी एच ग्रुप। ये हमारे पास अल्कली डीन कॉम्प्लेक्स है जिसमें अल्फा सी एच प्रेजेंट है। सी एच को हमने रिमूव करवाना है। बाकी जो प्रोडक्ट है वो है श्रॉक कार्बाइन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे डी प्रोटीनेशन जिसमें हाइड्रोजन की रिमूवल हुई है। फोर्थ मेथड है बाय डायरेक्ट अल्फा एलिमिनेशन विद मिथाइल कंपाउंड। हमने डायरेक्ट अल्फा एलिमिनेशन करनी है किसके साथ, मिथाइल कंपाउंड के साथ। इसमें से एक Al और Me2 और यहाँ से Cl रिलीज हो जाएंगे। बाकी जो प्रोडक्ट है वो ये है। इसके नेक्स्ट स्टेप में मेटल टंगस्टन जो है इसके और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। CH3 है इसके साथ, कार्बन के साथ H3 है, ये एक H इसके साथ आ जाएगा और बाकी जो दो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। लास्ट वन मेथड इज़ फॉर्मेशन ऑफ श्रॉक कार्बाइन कॉम्प्लेक्स। फिशर कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस कैन बी रिमूव्ड बाय केयरफुली एंड कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन फॉर्मिंग श्रॉक कार्बाइन कॉम्प्लेक्स। ये है फिशर कार्बाइन कॉम्प्लेक्स। उसकी कौन सी टाइप है, W2 है, इट मीन्स ये है डबलट फिशर कार्बाइन कॉम्प्लेक्स जिसका रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ Br2DME जिसे हम 1,2 डाई मिथॉक्सी इथेन कहते हैं। जो प्रोडक्ट बनेगी वो होगा क्वार्टेट कार्बाइन कॉम्प्लेक्स। चूँकि जो मेटल है वो है 4, इट मीन्स ये क्वार्टेट कार्बाइन कॉम्प्लेक्स है।
ये तो थे कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर। द स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस हैव बीन डिटरमाइंड बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन IR एंड NMR। एक्सरे डिफ्रैक्शन के थ्रू ट्रांजिशन मेटल के जो स्ट्रक्चर थे उसको डिटरमाइन किया गया था। दे सजेस्टेड दैट मेटल ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन लिंकेज ऑफ कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस इज लीनियर ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन ऑन मेटल कार्बन एटम। जब इन कॉम्प्लेक्सेस का एनालिसिस किया गया एक्सरे डिफ्रैक्शन या IR NMR के थ्रू, तो पता चला कि जो मिडल कार्बन एटम है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो है लीनियर। नेक्स्ट स्टेप इज हाइब्रिडाइजेशन इज sp, दैट्स वाई एंगल ऑफ बॉन्ड और बॉन्ड एंगल 180, बट इन सम कॉम्प्लेक्सेस दिस बॉन्ड एंगल डेविएट्स फ्रॉम 180। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो 180 होता है इन कॉम्प्लेक्सेस में, लेकिन कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें 180 नहीं बल्कि डेविएट कर जाता है, मीन वो चेंज हो जाता है। ये वो कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें मेटल एटम और कार्बाइन कार्बन एटम के दरमियान बॉन्ड एंगल चेंज हुआ। मेटल एटम और कार्बाइन कार्बन एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 1.9 एंगस्ट्रम, जबकि कार्बन एटम और pH के दरमियान बॉन्ड है 1.4 एंगस्ट्रम, और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो है 162 एंगस्ट्रम। नेक्स्ट है सेकंड कॉम्प्लेक्स, जिसमें मेटल एटम और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो है 1.69 एंगस्ट्रम। Ci3 और कार्बन के दरमियान है 1.49, जबकि Ci3 और इनके दरमियान है 180। इनके दरमियान 180 इसलिए है चूँकि ये लीनियर है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है बॉन्डिंग, फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सबसे पहले जो है सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं। फील्ड ऑर्बिटल ऑफ sp हाइब्रिड ऑफ डबलेट कार्बाइन कॉम्प्लेक्स ओवरलैप विद वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जब फील्ड ऑर्बिटल जो है sp डबलेट कार्बाइन कॉम्प्लेक्स का ओवरलैप करेगा वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल से, तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। ये है मेटल एटम का वेकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये है कार्बाइन कार्बन एटम का फील्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये दोनों ओवरलैप करेंगे, ओवरलैपिंग से इनकी सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। बाकी मेटल एटम के साथ जो एक ऑर्बिटल है वो एज इट इज़ आ जाएगा और सी के साथ जो आर है वो भी एज इट इज़ आ जाएगा। इन कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस 3 बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स ड्यू टू ट्रिपल बॉन्ड ऑफ इन बिटवीन मेटल एंड कार्बाइन कार्बन एटम। जो कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस हैं इनमें 3 बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, एक सिग्मा बॉन्ड और बाकी जो 2 हैं वो पाई बॉन्ड होंगे, क्योंकि जो मेटल और कार्बन का एटम है उनके दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ओवरलैपिंग ऑफ सिंगली ऑक्यूपाइड dx अटोमिक ऑर्बिटल विद सिंगली ऑक्यूपाइड ऑफ px अटोमिक ऑर्बिटल पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। मेटल एटम का सिंगली ऑक्यूपाइड dx अटोमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और जो कार्बाइन कार्बन एटम है उसका सिंगली ऑक्यूपाइड px अटोमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, मीन इन दोनों के दरमियान ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो है पाई बॉन्ड। बाकी जो मेटल एटम के ऑर्बिटल हैं और कार्बन के साथ आर ग्रुप है वो एज इट इज़ आ जाएगा जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। नेक्स्ट है बैक बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड इज़ फॉर्म ड्यूरिंग बैक बॉन्डिंग। एक पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन इस स्टेप में हुई है और नेक्स्ट स्टेप में बैक बॉन्डिंग होगी जिससे पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। द py अटोमिक ऑर्बिटल ऑफ डबलेट कार्बाइन कार्बन एटम ओवरलैप्स विद फील्ड dx अटोमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम फॉर्मिंग मेटल कार्बन पाई बॉन्ड, इट इज़ कॉल्ड pi बॉन्ड और पाई बैक बॉन्डिंग और बैक बॉन्ड। मेटल एटम का फील्ड dpi अटोमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा और कार्बाइन कार्बन एटम का वेकेंट py अटोमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा।
इनकी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, बाकी जो ऑर्बिटल हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे। प्रीवियस स्टेप में जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी वो सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स थे मेटल के भी और कार्बाइन कार्बन एटम के भी, लेकिन इस स्टेप में फिल्ड हैं एटॉमिक ऑर्बिटल मेटल के और जो कार्बाइन कार्बन एटम के हैं वेकेंट। था आज का टॉपिक जिसमें हमने ट्रांजिशन मेटल अल्कलाइन कॉम्प्लेक्सेस या कार्बाइन कॉम्प्लेक्सेस को डिटेल से डिस्कस किया। अल्लाह हाफिज़।